ओम शांति। आज की तारीख है 28/6/23 और आज की ज्ञान मुरली कहती है, तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो, पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतू करो। प्रश्न है, मोस्ट बिलवेड बाप में भी कई बच्चों को, ध्यान से सुने, कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब? तो अपने को देखें, कहीं हमें भी संशय कब उठ तो नहीं जाता? उत्तर है, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ ही रही, ऐसा भूल जाते हैं जो अपनी खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं है, संशय भी नहीं उठाना है। नंबर दो, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है, बाबा का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। वरदान सतगुरु शिव पिता का दिव्य बुद्धि और दिव्य रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर वन लेने वाले पुरुषार्थी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि हरेक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। ये वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर वो आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।